Important questions for BPAG 174 sustainable development block 1 we have completed in the previous video, and here we will discuss the block 2 important question, development, sustainability and climate change. First question is, explain the meaning of global commons. Why is climate change a problem of global commons? ठीक है, पहले आपको जानना होगा कि क्या होता है कॉमन, क्या होता है ग्लोबल कॉमन. तो कॉमन हमारा क्या होता है ना, जिसमें सबका अधिकार होता है वो कॉमन होता है. ग्लोबल कॉमन वो मतलब कॉमन जो है वो छोटा भी हो सकता है, इट मे बी स्मॉल और इट मे बी लार्ज. इट मे बी स्मॉल एज अ विलेज पॉन्ड और इट कैन बी एज बिग एज ग्लोबल कॉमन्स. तो ग्लोबल कॉमन्स मतलब बड़ा होता है, जिसमें क्या होता है ना, दे डू नॉट बिलोंग टू वन कम्युनिटी और वन इंडिविजुअल बट टू ह्यूमैनिटी. ग्लोबल कॉमन्स हैव बीन ट्रेडिशनली डिफाइंड एज those parts of the planet that fall outside national jurisdiction and to which all nations have access, जिसपे सारे नेशन का अधिकार है वो है ग्लोबल कॉमन्स. तो क्लाइमेट चेंज क्यों ग्लोबल कॉमन का प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे जानेंगे कि अब जो है इंटरनेशनल लॉ आइडेंटिफाइज फोर ग्लोबल कॉमन्स. हमारे चार ग्लोबल कॉमन्स हैं, द हाई सीज, द एटमोसफियर, अंटार्कटिका एंड द आउटर स्पेस. इंटरनेशनल कॉमन्स आर रिसोर्स डोमेन्स shared by more than one nation, but global commons on the other hand are resource domains or to which all nations have legal access. अब आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना होगा. यहाँ पर मैंने इतना ही लिखा है, आप थोड़ा और इन चीज़ों को एलाबरेट कीजिएगा, इन ऑप्शन को और एलाबरेट करके इसे टू पेजेस तक ले जाइएगा. ठीक है, क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल रिस्क टू द वर्ल्ड एट प्रेजेंट. द मेन रीजन बिहाइंड दिस threat is the excessive emission of greenhouse gases by different countries. Climate change is often claimed to be a global problem of commons for the following reasons. Pehla jo hai, clean air in atmosphere gets contaminated as pollutants are added like greenhouse gases. Second one is, it is difficult or impossible to exclude anyone or any nation from the access to the atmosphere or clean air. ठीक है, यहाँ पे है द एटमोसफियर एज अ सिंक सर्विस टू सब्ट्रैक्टेबल बिकॉज वन यूनिट यूज बाय वन यूजर इज नॉट अवेलेबल टू अदर्स. इफ कार्बन इमिशंस आर व्यूड एज यूजिंग अप ऑफ द कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एयर, देन वन कंट्रीज एमिशन रिड्यूस द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी अवेलेबल टू अदर कंट्रीज. फिर यहाँ पे मैंने ग्लोबल कॉमन के दो पॉपुलर कॉन्सेप्ट हैं जो TOC और CHM, यानी कि द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. तो TOC का क्या कहना है और CHM का क्या कहना है. अकॉर्डिंग टू TOC, द रैशनल मैन फाइंड्स दैट हिज शेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ हिज एमिशंस इनटू द कॉमन्स इज मच लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्यूरिफाइंग इट. यानी कि हम जितना प्यूरीफाई नहीं कर सकते उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को हम मतलब गंदा कर रहे हैं. बट दिस बिहेवियर एज एन आउटकम एड्स टू अ लार्जर कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन. तो इसका सोल्यूशन क्या बताया TOC ने, TOC ने सजेस्ट किया कि कॉमन शुड बी एनक्लोज एंड एंट्री शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. CHM का कहना था कि नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर दिस प्रेजेंट जनरेशन बट इवन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, जो भी हमारे पास हमारे जो क्या है ना, हमारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए. रिच कंट्रीज कैन एक्सप्लॉयट कॉमन विच माइट बी कॉज सफरिंग फॉर पुअर कंट्रीज. तो जो रिच कंट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हमारे कॉमन्स को, तो पुअर कंट्री के लिए ये काफ़ी सफरिंग साबित हो सकता है. तो उसने इसका सोल्यूशन क्या बताया ना, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम CHM सजेस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रीटी रिजाइम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल. तो एक ट्रीटी सबको साइन करना होगा सारे कंट्रीज को, जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो. होप ये क्वेश्चन आप लिख पाएंगे अगर आता है ग्लोबल कॉमन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द अर्थ समिट 1992. In 1992, from June 3rd to June 14, UNCED, that is United Nations Conference on Environment Development, took place in Rio de Janeiro, Brazil. It is also known as the Rio Summit or the Rio Conference, and most popularly the Earth Summit. Various outcomes in the form of treaties, political declarations and action plans have evolved. So Earth Summit 1992, ye UNCED ke dwara हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में. इसे रियो समिट या फिर रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे ट्रीटी, बहुत सारे पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, एक्शन प्लान इसमें हुए थे. तो रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, रियो डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर. इतना तो आप समझ गए हैं कि अर्थ समिट हुआ ही था मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और कि कैसे मतलब कॉमन्स जो है इन्हें पोल्यूट ना हो, ये तो इसके ऊपर एनवायरनमेंट एंड
डेवलपमेंट के ऊपर एक डिक्लेरेशन था, एजेंडा 21 था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने सोचा है उसे इम्प्लीमेंट हम कैसे करें, एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है एजेंडा 21 में। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी, जो कि एक मल्टीलैटरल ट्रीटी रहा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी। तो ये सारे पॉइंट में आपको कम से कम 10 to 15 लाइंस एग्जाम में लिखने होंगे, तभी आपके 20 मार्क्स के लिए ये कम्प्लीट होगा। थैंक यू। नेक्स्ट सेकेंड ब्लॉक का ही है, इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ टू डिकेड्स आफ्टर आर्ट समिट 1992। 1992 तो हो तो गया, तो उसके बाद जो टू डिकेड्स हमारे आए, ठीक है, बाकी के जो 20 साल उसमें क्या हुआ, वो जर्नी कैसा रहा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आता है, तो ये आप इसे स्किप ना करें, बिल्कुल देखिए, काफ़ी स्कोरिंग है। आफ्टर 1992 समिट, देर आर टू समिट्स अकॉर्ड विथ इंटरवल्स ऑफ 10 ईयर्स ईच। पहला Rio+10 2002 में हुआ, Rio+20 2012 में हुआ। Rio+10 में क्या हुआ, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज Rio+10 वॉज ऑर्गेनाइज आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट अर्थ समिट एट जोहान्सबर्ग। August 26 से September 4 तक हमारा जो है Rio+10 होता है जोहान्सबर्ग में। इट हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्स एटसेट्रा। द मेजर फोकस ऑफ जोहान्सबर्ग समिट वॉज ह्यूमन डिग्निटी थ्रू इंक्रीज्ड एक्सेस टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक क्लीन वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर, एनर्जी, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एट द सेम टाइम इट वॉज प्लान्ड दैट डेवलप्ड कंट्रीज विल हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू अरेस्ट द कंडीशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे, जिससे क्या हो रहा, हमारा जो अंडर डेवलपमेंट है वो ना रहे। द मेजर आउटकम ऑफ Rio+10 जो था हमारा जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन था, मेजर आउटकम विच वॉज ओनली इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट टू वर्क टुवर्ड्स SDG। तो ये Rio+10 हमारा 10 साल के बाद, 1992 के 10 साल बाद, यानी कि 2002 में जोहान्सबर्ग में होता है, मेन होता है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, इसमें जो चीज़ें की गई यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब Rio+20 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन SDG, दैट इज़ UNCSDG, ऑल्सो नोन एज Rio 2012 और Rio+20, इट वॉज अ थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन SDG होस्टेड बाई ब्राज़ील इन Rio de Janeiro फ्रॉम 13 to 22 June 2012। द कॉन्फ्रेंस हैड थ्री ऑब्जेक्टिव्स, टू सिक्योर रिन्यूड पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर SDG, to assess the progress and implementation of gaps in the meeting previous commitments, to address new and emerging challenges। तो तीन इसके ऑब्जेक्टिव रहे Rio+20 के। इसके दो मेन थीम्स रहे, यानी कि हाउ टू बिल्ड अ ग्रीन इकोनॉमी, हाउ टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आपको आता है कि 1992 के बाद जो हमारा जर्नी टू डिकेड का रहा, तो आपको इसमें Rio+10 के बारे में लिखना है, Rio+20 के बारे में लिखना है, उसके पहले अर्थ समिट के बारे में भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो इतना करेंगे तभी आपके 20 मार्क्स मिलेंगे, और इसके साथ ही हमारा ब्लॉक टू कम्प्लीट हो जाता है। सिर्फ 3 क्वेश्चन ब्लॉक 2 में रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 3 एंड 4 कवर करेंगे।